जी ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने जो मेडिसिन 1 के सारे टॉपिक्स की मार्किंग की थी, आज हम मेडिसिन 2 है हमारे पास। तो इसमें जो है पहले इसकी ये टॉपिक्स देख लो आप कौन कौन से हैं। जो रीनल है ना, इसमें से आपके आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, और एंडो में से भी आपके 2 आएंगे। उसमें से एक मोस्टली जो है वो डायबिटीज़ में से होता है, और एक जो है वो बाकी एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज में से होता है। साइकेट्री में से भी 2 क्वेश्चंस हैं, डर्मा में से एक है, और जो आपके इन्फेक्शन हैं इसमें से भी 2 क्वेश्चन हैं। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 9 क्वेश्चन ये आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज मेडिसिन 1 में 45 थे, यहाँ पे आपके जो है वो 40 MCQs होंगे। तो ये इसकी जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 को आपने इकट्ठे मिला के जो है 50% मार्क्स के साथ पास करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टॉपिक वाइज हम मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है वो रीनल सिस्टम ओपन कर लो, डेविडसन पे पेज 383 है। इसमें से आपने सबसे पहले तो टेबल करना है CKD। वैसे आगे डिजीज की डिटेल आएगी, लेकिन ये जो टेबल इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है बेस्ड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, वो CKD के साथ आपने करनी है। ये आपकी आ जाती है 388 पे, जो टेबल बना हुआ है स्टेजेस ऑफ CKD डिपेंडिंग अपॉन GFR, ठीक है। इसके बाद आप आगे आपने कुछ भी नहीं करना, जिस तरह मैंने आपको बताया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए आपने करना होता है वो करना है। उसके बाद आपके आ जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम के आगे के अंडरलाइंग जो भी कॉजेज होती हैं आगे, एक तो इन दोनों के दरमियान आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। बाज़ों का डायग्नोसिस में सिर्फ आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखना होता है, उसके आगे फर्दर उसकी कॉज में नहीं जाना होता कि मिनिमल चेंजेस की वजह से या किस वजह से आगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको अच्छे से पता हो, उसका ट्रीटमेंट परवेज अकबर में जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट हर उसकी मैनिफेस्टेशन का अलग से ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, और उसकी जो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उसका भी ट्रीटमेंट उसने लिखा हुआ है। तो ये रीनल सिस्टम जो है ये आपने पीड्स का और यहाँ से मिला के करना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह नेफ्रेटिक सिंड्रोम की सारी कॉजेज, ये आप मोस्टली चीज़ें इसमें से नेम वगैरह आप सुन चुके होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है इसका, कोई स्टीरॉइड्स हैं, साइक्लोफोसामाइड है, और अंडरलाइंग जो भी उसकी कॉज है उसको आपने ट्रीट करना है। ये ट्रीटमेंट है मोस्टली इनमें से, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये आगे टेबल दिया हुआ है इसने बड़ा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये आपने करने हैं, देयर मैनेजमेंट करनी है। ग्लोमेरुलर डिजीजेज आ जाएंगी सारी। अब इनको आपने कैसे करना है, इनका ना आपको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में किस टाइप की डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों में जो होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो किस वजह से होती है, मिनिमल चेंज डिजीज मोस्ट कॉमन उसका कॉज होता है बच्चों में, ठीक है। इसी तरह जो नेफ्रेटिक होता है यानी हीमाचूरिया के साथ जो प्रेजेंट करता है, उसमें PSGN बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है बच्चों के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के बाद जो आता है। तो ये वाले जो है ना इनको आपने अच्छे से इस तरह के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है ये आपको डायग्नोसिस देंगे, तो ये इस तरह पढ़ना है आपने। अदरवाइज ये वाली सारी डिजीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पैथोलॉजी में, इनके अच्छी तरह आप याद भी कर चुके हो किस तरह के कम्प्लेक्सेस बनते हैं क्या होता है। इसी तरह GBM है, anti-GBM एंटीबॉडीज, क्या नाम है उसका, गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। उसमें क्या होता है, साथ आपको जो है वो जी और पी है ना, गुर्दे और पी से फेफड़े, मतलब आपके किडनी के भी प्रॉब्लम होंगे और आपके लंग्स के भी प्रॉब्लम होंगे। अगर कोई पेशेंट इस तरह प्रेजेंट कर रहा है कि उसकी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं लंग्स में, साथ उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम हुआ है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, गुड पास्चर बनेगा। तो इसको ना आपने डायग्नोसिस के लिहाज से जो है वो प्रिपेयर करना है, अदरवाइज इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक ऑलरेडी आपको आता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो इसकी हिस्टोलॉजी है ना, जितनी स्टेबल में दी हुई है ना, बस इतनी ही आपने करनी है कि इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड कौन से होते हैं, किसमें क्रिसेंट्रिक डिपॉजिट्स बनते हैं, किसमें वो पता नहीं कौन कौन से पैटर्न होते हैं, वो सारे आपने करने हैं। मिनिमल चेंज डिजीज में कुछ भी नहीं होता कंपाउंड माइक्रोस्कोपी पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे पोडोसाइट्स के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं।
तो ये चीजें जो है आपने इस टेबल से करनी है, जो बड़ा टेबल दिया 15.15। बाकी जो बहुत सारी डिटेल्स आपने पैथो में की थी वो नहीं करनी, ठीक है। ट्रीटमेंट देख लेना, ऑलमोस्ट सबका सेम है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमल चेंज डिजीज इंपॉर्टेंट है, पीएसजीएन इंपॉर्टेंट है, आईजीए नेफ्रोपैथी का डिफरेंस कैसे होगा पीएसजीएन से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। गुड पॉस्चर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, और ल्यूपस नेफ्राइटिस जो एसएलई के पेशेंट्स को होता है, जो रिमेटोलॉजी की में पढ़ी है हमने एसएलई, उसमें उन पेशेंट्स में जो होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा आगे आ जाता है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज में आपने थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेनी है एलपोर्ट सिंड्रोम की, आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। अगर किसी पेशेंट को किसी की फैमिली में रन कर रही है डिजीज और उसको साथ हेयरिंग प्रॉब्लम भी है और किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो ये आपका एलपोर्ट सिंड्रोम होगा, क्योंकि इसमें हियरिंग का भी कोई सेंसरी न्यूरल शायद हियरिंग लॉस भी होता है इसके अंदर, तो ये आपने देख लेना। रीनल वास्कुलर डिजीज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस करना है आपने, जस्ट रीड देना है, मतलब आया नहीं है कभी आपके एमसीक्यूज में, आ जाता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज वन ऑफ द सर्जिकली करेक्टेबल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन की हमने पढ़ी थी ना कॉजेज होती है, 95% कॉजेज जो होती है इडियोपैथिक होती है, एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, वो ट्रीट नहीं उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होती, और 5% टाइम्स उसकी जो है वो अंडरलाइंग कॉज होती है, या शायद उल्टा उल्टा है इससे, तो ये आपने याद करना है, ठीक है। बाकी ये कोई चीज़ इसमें याद नहीं करनी है आपने, स्मॉल डिजीज डायबिटीज वाला, आप जब डायबिटीज वाला चैप्टर करोगे वहां पे देख लोगे किस तरह की डिजीज होती है। डायबिटीज का पूछा जाता है, उसके अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं इसमें ग्लोमेरुलाय में ये, और किस तरह मतलब डैमेज होता है, और क्या ट्रीट करोगे आप अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो उस लिहाज से वो आप डायबिटीज के साथ कर लो या यहाँ पे पढ़ लो, जिस तरह भी आपको लगे। सही, एमसीक्यू में आता है आपके। एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी आपके एमसीक्यूज में आएगी। क्रोनिक किडनी इंजरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज सॉरी, एज कम्पेयर टू एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इसके आपने कॉजेज याद करने हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल कॉजेज हैं एक्यूट किडनी इंजरी के, खास तौर पे जो एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है ना वो आपने जरूर कर लेनी है, और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल क्या कहते हैं उसको, एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये वाली जो कॉजेज है ना सारी, ये बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ये आपके ऐसी क्यूज में आती है। सी के डी तो आपने ए टू जी करना है। सी के डी की कॉजेस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती हैं, और हाइपरटेंशन डायबिटीज है, और सारी मतलब कॉजेस करनी है आपने इसकी, और इसमें जो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं कौन कौन सी होती हैं उनकी ट्रीटमेंट अलग अलग करनी है आपने। डायलिसिस पे कब डालोगे पेशेंट को, रीनल ट्रांसप्लांट कब करोगे, कितनी तरह का डायलिसिस होता है, किस तरह उनमें डिफरेंशिएशन क्या है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस की, उसके अलावा थ्रेशोल्ड है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, ये जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, कॉम्प्लिकेशन करनी है पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस की, और इसी तरह इसकी मोस्टली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, फ्लूइड ओवरलोड हो गया और हाइपरकेलीमिया हो गया, एसिडोसिस हो गया, ये आप वैसे भी ये अलग से भी आती हैं, ठीक है। हाइपरकेलीमिया का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा आता है, ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकेलीमिया ये बहुत ज्यादा आता है, ये हम रीनल के साथ ही आपका एक पोर्शन है मेटाबॉलिक डिजीजेस का, जिसमें एसिडोसिस अल्कलोसिस और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेज हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये इसके साथ ही क्वेश्चन आएगा इसका, रीनल में से जो दो क्वेश्चन है उसमें से अक्सर एक क्वेश्चन जो होता है वो इनमें से होता है, मेटाबॉलिक में से, ठीक है। उसमें क्या वो बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा सी के डी में ये हो गया, टेबल्स देख लो इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी है आपने, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का डिफरेंस का टेबल है, इनकी कॉम्प्लिकेशन का टेबल है, इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस का टेबल है, उसके अलावा प्रॉब्लम विद हीमोडायलिसिस एंड प्रॉब्लम्स विद पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये रीनल ट्रांसप्लांट की आपने डिटेल नहीं करनी, कभी आई नहीं है, बाकी आपकी किस्मत है और रीड कर लो तो ठीक है, अदरवाइज कभी नहीं आई है, आपके लेवल की बात भी नहीं है। बस ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस जो है वो एक परमानेंट डेफिनेटिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। लेकिन डेफिनेटिव ऑप्शन आपके पास क्या होता है सी के डी में, रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी आप ट्रांसप्लांट कर, ठीक हो गया।
अच्छा, इससे आगे जितनी ये दी हुई है ना, किडनी स्टोन्स और ये सब कुछ, यूरिटरी स्टोन्स, ये कुछ भी इधर से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपके ये स्टोन्स वगैरह हैं ये सारे आपके सर्जरी में कवर हो जाएंगे, बहुत डिटेल के साथ कवर होंगे। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं वो आपके डिटेल के साथ कवर हो जाएंगे, इनका क्वेश्चन भी नहीं आता मेडिसिन में, लेकिन इन केस एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं तो वो वहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ये वाली चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये वाली सारी जो चीज़ें, ये आपकी गाइनी में चैप्टर है एक यूरोगैनाकोलॉजी का, वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएंगी और कुछ सर्जरी में भी कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रीनल के साथ बाकी क्वेश्चन आएगा आपका मेटाबॉलिक, उसका मेटाबॉलिक डिजीज का। तो मेटाबॉलिक डिजीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइपरकलीमिया और हाइपरनेट्रीमिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको करनी सारी पड़ेंगी, कोई भी आ सकती है, और एमसीक्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा आती हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आता है, और बाकी जो है ना रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस वो नहीं आते आपके, लेकिन आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए होंगे, अभी भी पढ़ लेना, उनका ट्रीटमेंट भी देख लेना। इसी तरह हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कैल्शियम के हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया करना पड़ेगा, वो आपके एंडो के चैप्टर के साथ भी रिलेटेड है, जब आप पैराथायराइड की डिजीज पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आएगा, तो वो भी आपने करना है। इसी तरह थोड़ा बहुत आइडिया आपको जो है वो मैग्नीशियम का होना चाहिए, तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं आपने, सोडियम प्रायोरिटी पर रखना है, पोटाशियम प्रायोरिटी पर रखना है, कैल्शियम हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम की ईसीजी पे क्या चेंजेस होती हैं उसके कम और ज़्यादा होने से, वो चीज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। बाकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत ज़्यादा आता है, अक्सर तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ उसका मिला के दिया हुआ होता है, क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उसका ट्रीटमेंट और वो सारा ये एक क्वेश्चन हुआ होता है, तो वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? फॉस्फेट ओके, 634 पेज पे आप एंडोक्राइनोलॉजी खोल लो आप लोग, उसमें आपके पास जो मेजर क्वेश्चन आपका आता है ना, वो आपका आता है थायराइड से और डायबिटीज, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका हाइपर थायराइडिज्म आएगा, हाइपोथायराइडिज्म आएगा, या डायबिटीज के अंदर से उसकी कॉम्प्लिकेशंस एचएचएस या डीके, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपरग्लाइसीमिक कोमा, स्टेट स्टेट या डायबिटिक कीटोसिडोसिस, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। डायबिटीज़ तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी आपने हर हर चीज़ आपने करनी है, ट्रीटमेंट की डिटेल भी करनी है आपने, कि इंसुलिन के क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ, सबसे पहले तो आपने करना है इसकी ये पढ़ लेना, फंक्शन एनाटमी याद है तो ठीक है, फिर ना पढ़ना, अदरवाइज इसको ना एक दफ़ा पढ़ लेना, इन्वेस्टिगेशंस पढ़नी है आपने, थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड स्कैन की क्या इंडिकेशन है, और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हाइपरथायराइड पेशेंट में, ये ना आप जब मेडिसिन और सर्जरी दोनों का थायराइड का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने इसको करना है, ठीक है। अब वो सिंपल वाली चीज़ें नहीं है, डायग्नोसिस तो आपको आता है, आपको पता है हाइपरथायराइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, हाइपोथायराइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे जो बात आएगी आपकी वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे, और किस का कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपने किस पेशेंट में यूज़ करना है, क्या इंडिकेशंस हैं, ठीक है। हाउ टू इंटरप्रेट थायराइड फंक्शन टेस्ट रिजल्ट, इसमें से अक्सर एमसीक्यू आया हुआ होता है, इसको ना आपने इसमें से जो मेजर मेजर इसका है ना वो आपने देख लेना है, ठीक है, कि किसमें रेज होता है, क्या चीज़ किसमें रेज होती है, ये आपने करना है लाजमी। हाउ टू इंटरप्रेट टीएफडीज, उसके बाद आप आ जाओ ईसीजी चेंजेस, तो हाइपर थायराइड में क्या होता है, मैंने कल भी बताया था शायद, एट्रल फिब्रिलेशन का चांस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू आता है बहुत ज़्यादा, और इन लोगों को आपने उसके लिए चेक भी करना होता है एट्रल फिब्रिलेशन के लिए, और प्रोफ्लेक्सिस वगैरह और ये चीज़ें भी आपने देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाओगे थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, इसकी कॉजेज क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है ये, तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की इसी तरह कॉजेज आ जाएंगी, इन्वेस्टिगेशंस आ जाएगी, मैनेजमेंट आ जाएगी, इनकी आपने डिटेल के साथ करना है सारा कुछ, जितने फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, जितने टेबल्स दिए हुए हैं, ये सब आपने करने हैं ये, ठीक है। इसी तरह मिक्सोडेमिक कोमा, ये भी मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये भी आपने करनी है। हाइपर थायराइड वालों को थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो सकता है,
हाइपोथायराइड वालों को मेक्सोडेमिया कोमा हो सकता है, और इसी तरह एड्रीनल इंसफिशिएंसी को वालों को एड्रीनल क्राइसिस हो सकता है। तो ये सारी इमरजेंसीज हैं, ये आपने करनी है। इसी तरह डीके और एचएचएस भी इमरजेंसी है, वो भी करना है। ठीक है, उसके बाद ये आगे आ जाता है एसिम्प्टोमेटिक एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। लंप और स्वेलिंग से आगे जो सारी बात है ना, ये आपकी आएगी सर्जरी में। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज की डिटेल करनी है आपने। टेबल दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑप्शंस का, ये करना है। ग्रेव्स ऑप्थेलोमैथी, उसका ट्रीटमेंट, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस, यहाँ तक करना है आपने बस। पोस्टपार्टम नहीं करना आपने। इससे आगे जो दिया मैंने आयोडीन एसोसिएटेड थायराइड डिजीज, इनका आपको बस ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आयोडीन की वजह से किस किस तरह जो है वो थायराइड डिजीज हो सकती है। ठीक है, अमायोडीन की वजह से हाइपरथायराइड भी हो सकता है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है, तो ये आपको चेक कर सकते हैं, वो या कोई पूछ सकता है। बस इसकी डिटेल नहीं करनी यानी आपने, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो थायराइड की स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सिंपल एंड मल्टी न्यूट्रिएटर गाइटर। ये सारी थायराइड न्योप्लेजिया और ये सारा कुछ जो है वो आपका कवर होगा सर्जरी में। जी सारे कार्सिनोमा वहां पे आपने डिटेल से करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इसमें मैं आपको यहीं पे वैसे पीड्स का भी बता दूं, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं जो आपने पीड्स के एंडो में करनी है। उसमें से एक है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म यानी क्रिएटिनिज्म जो होता है, तो वो इसके साथ ही आप लोग कर लें। ठीक है, उसके अलावा एड्रीनल में से कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया आपने करना है वहां पे, वो चाहे प्रवेशक से करो चाहे यहाँ से, ये कर लेना। अच्छा, ये आपने ये वाली सारी चीजें जो आ रही है ना रिप्रोडक्टिव डिजीजेस में, ये आपकी कवर होंगी उसमें गाइनी गाइनी में होंगी और गाइनी में होंगी। ठीक है, ये सारी ए मनोरिया वगैरह, इनफर्टिलिटी क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया, ये सारी चीजें आपकी जो है वहां पे कवर हो जाएंगी। यहाँ पे इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन मेडिसिन में नहीं आती। कहाँ पे आएंगी ये? गाइनी में आएंगी आपकी, टर्नर। तो ये सारा आप अच्छा है कि एक जगह से ही पढ़ लो आप डिटेल के साथ। ठीक है, मेडिसिन में आएंगे नहीं, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो या गायनी की बुक से करना चाहते हो टेन टीचर से, ये आपकी मर्जी। पैराथायराइड ग्लैंड आएगा आपका, ये देखो हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पर आ गया, ये आपने सारा डिटेल के साथ करना है, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपो पैराथायराइडिज्म का आपने सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, डिटेल कॉजेस करनी है और ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैराथायराइड, जो थायराइड है और एड्रीनल्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एड्रीनल्स में आ जाओ। एड्रीनल में आपने क्या क्या करना है? वही कशिंग सिंड्रोम, कब से करते आ रहे हो आप, सेकेंड ईयर से लगे हुए, कशिंग सिंड्रोम करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है और डायग्नोस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस करना है। एक होते हैं इसके स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ये आपने देख लेना कि कौन से स्क्रीनिंग है, कौन से डायग्नोस्टिक हैं, क्या ट्रीटमेंट आपने देना है, और क्या ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, और डिफरेंट कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम को कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है, कि पिट्यूटरी कॉज है, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है वो, या उसको एड्रीनल एडिनोमा है, या कहीं और कोई ट्यूमर है जो सिक्रीट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये आप सारी ACTH सॉरी सिक्रीट कर रहा है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक ही दफा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत सारी डिजीज में यूज होते हैं, तो यहीं पे इसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, उसकी डोजेस लिखी हुई हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, उनका आपस में क्या रिलेटिव डोजेस क्या हैं उनकी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, ये आपने करनी है, ये आपकी कहीं ना कहीं यूज़ होंगी। और ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें से MCQ आता है, इक्विवेलेंट डोजेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये आप नेट से देख लेना एक दफ़ा कि इसको कैसे याद करना है, तो ये याद करनी है आपने। ठीक है, और इनके इनके आपने साइड इफेक्ट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के याद करने हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, आगे आ जाता है एड्रीनल इंसफिशिएंसी। ठीक है, एडिसन डिजीज, ये आपने करनी है। एडिसन एड्रीनल क्राइसिस, इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है 18.44 में, ये आपने करना है। बाकी आगे मैस आ गया ना जो, ये नहीं करना आपने। आगे प्राइमरी हाइपरएल्ड्रोस्टेरोनिज्म कभी नहीं आया, आप इसको रीड कर सकते हो। फियोक्रोमोसाइटोमा आपका सर्जरी में कवर होगा, डोगर से आपने करना है इसको, क्योंकि इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट होती है ज्यादा। और कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया लिखा हुआ है यहाँ पे, चाहे यहाँ से कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये पीड्स के लिए।
यहाँ नहीं आएगा आपको मेडिसिन में। आगे ये आ जाते हैं पेंक्रियाटिक डिजीजेस, इसमें आपने करना है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ये आपका कभी सर्जरी में भी आ जाता है इसका एमसीक्यू, मेडिसिन में भी आ जाता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो ये जो लिखे हुए ना इन्होंने गेस्ट्रो पेंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, इसमें कार्सिनॉइड है, तो ये आपने करना है। यहीं पे मैं आपको न्यूरो एंडोक्राइन और भी वो भी बता देता हूँ। हाँ एसीक्यू भी आया था इसके अंदर से कार्सिनॉइड ट्यूमर की में से। इसमें वो जो है ना MEN1 और MEN2, ये जो है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, इसमें से बस आपने इतना याद करना है कि म्यूटेशन कौन सी होती है, मेरे ख्याल से RET होती है या कौन सी, वो याद करनी है आपने। और MEN1 में कौन से तीन चीज़ें होती हैं और कौन सी तीन उसमें होती है MEN2, और MEN2B भी होता है उसमें क्या क्या होता है, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। ये स्टेप अप में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है उसने निमोनिक के साथ। अच्छा पिट्यूटरी ट्यूमर, इसका कभी भी आपको SEQ नहीं आएगा पिट्यूटरी ट्यूमर का, लेकिन MCQ इसका अक्सर आता है। तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स आपने करने हैं, इनकी आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कौन से पिट्यूटरी ट्यूमर की ज़्यादा होती है। प्रोलेक्टिनोमा की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह इनका अलग अलग ट्रीटमेंट आपने देखना है, ठीक है। प्रोलेक्टिनोमा ही मोस्टली उसी के बारे में पूछा जाता है, ब्रोमोक्रिप्टीन या डोपामीन उसमें देते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं क्योंकि डोपामीन प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है ना, तो वो वाला करना है आपने, ठीक हो गया। बाकी इसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट ऑप्शंस आप देख लेना। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन की जैसे एक्रोमेगैली है, ये आपने करनी है, ये ज़्यादा आपकी पीठ के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है एक्रोमेगैली जाइगेंटिज्म, और ये आपने करना है, ठीक हो गया। इसी तरह जो मेटाबॉलिक हमने पढ़ा था ना, फ्लूइड ओवरलोड और वो सारी चीज़ें, उसमें एक होता है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट पता नहीं फिर एडीएच एग्जीक्यूशन एक्सक्रीशन, ठीक है। एक मिनट, ओके, हम लोग बात कर रहे थे SIADH की और डायबिटीज इंसिपाइडस की, तो ये आपके उधर मेटाबॉलिक के साथ आ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। इसमें हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया वो सारी चीज़ें उनके कॉजेज में आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें से हमें MCQ आया हुआ था, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया को, किससे करना है आपने, डायबिटीज इंसिपाइडस से, ठीक है। अच्छा ये मीटिंग जो है वो एंड होने लगी है, बल्कि हम इस डायबिटीज को जो है वो कर लेते हैं, अगर ये एंड हो जाए ना मीटिंग तो इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डायबिटीज में आपने क्या करना है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस करनी है डायबिटीज की, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस करनी है, डायबिटिक फुट केयर बहुत डिटेल से करना है आपने, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो सर्जरी में आ जाएगा, और सर्जरी में जो डायबिटिक अल्सर है वो मेरा जो है वो खुद लॉन्ग केस था सर्जरी में, तो डायबिटिक अल्सर या डायबिटिक फुट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपने करनी है डिटेल के साथ, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंसुलिन जब मैनेजमेंट आएगी इसकी, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक की आपने डिटेल करनी है सारी, उसके क्लासेस करनी है कौन कौन सी, उसके अंदर मेटफॉर्मिन है, बाकी जो भी ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स हैं वो सारी करनी है, इंसुलिन की सारी टाइप्स करनी है आपने, कॉम्प्लिकेशंस करनी है इंसुलिन की, और कौन कौन सी रेजिमेंस हैं उसमें 70-30, और कैसे उसकी डोज कैलकुलेट की जाती है, और ये वाली सारी चीज़ें जो है ना डायबिटीज़ के रिलेटेड आपने सब कुछ इसमें से मोस्टली चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं आती तो ये कर लेनी। बाकी इसमें से उसका क्राइटेरिया करना है आपने, जो उसका WHO का क्राइटेरिया है या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होना हाँ चाहिए, पोस्ट पैनल कितना होना चाहिए, और HbA1c के लेवल्स, ये सारे आपने करने हैं। ये आपको मिलीमोल्स में भी पता होने चाहिए और मिलीग्राम पर डेसिलीटर्स में भी पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ डायवर्सन में लिखे हुए हैं मिलीमोल्स में, और आपके जो MCQs या वो आते हैं उधर मिलीग्राम पर डेसिलीटर्स में होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये वाला टेबल आपने करना है जो आपका बना हुआ है 726 पे, उसके बाद एटियोलॉजी वगैरह और सारी पैथोफिजियोलॉजी आपको डायबिटीज की अच्छी आती होगी ऑलरेडी, नहीं भी आती तो खैर है कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसिमिक जो स्टेट है इसमें जो है इन दोनों के टेबल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, ये अभी तो आपको समझ नहीं आएंगे लेकिन जिस तरह आप वार्ड्स अटेंड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह होता है।
अभी आप सिर्फ प्रिंसिपल्स याद कर लो कि कौन कौन सी चीजें आपने इनको देनी है। इंसुलिन देनी है, पोटासियम क्लोराइड देना है, ग्लूकोज की ड्रिप लगा देनी है, नॉर्मेस्टाइन की ड्रिप कब लगानी है, किस किस चीज के लिए मॉनिटर करना है, बस इस तरह प्रिंसिपल वाइज आप याद कर लो। बाकी डिटेल्स जो है ना, कितनी डोज लगनी है, क्या होना है, वो आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको खुद याद हो जाएगी। अच्छा, डायबिटिक केटोसिडोसिस में जो तीनों टेबल्स हैं, तीनों एसईक्यूज में अलग अलग आए हुए हैं, एवरेज लॉस भी पूछा हुआ है उसने, क्लिनिकल फीचर्स भी पूछे हुए हैं, इंडिकेशंस भी पूछे हुए हैं। ये आपका मेडिसिन में भी आता है और पीड्स में भी आता है। पीड्स में तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, अक्सर एंडो का जो क्वेश्चन होता है वो डीके होता है। ठीक है, इसी तरह एचएचएस आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपने इन दोनों के ट्रीटमेंट की डिटेल करनी है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आपको बता दिए हैं। हाँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था, जो क्रोनिक डिजीज होती है ना, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इनके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इनमें जो है वो पेशेंट्स में करते हो, उससे कंट्रोल हो जाए। अगर प्री डायबिटिक जो पेशेंट होता है या जिसमें इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस होती है, उनको आप मैनेज कर सकते हो बगैर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिए। तो ये सारी चीजें आपने देनी है। इसी तरह हाँ, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस इंसुलिन के अपने अपने इंडिकेशंस हैं, वो भी देखनी है आपने। ठीक है, कैसे लगानी है सबक्यूटेनियस, कब इंट्रावीनस लगानी है, क्या होती है इसमें, मुझे वो भूल गया, लेकिन इसमें एक शायद स्प्रिंग मेथड होता है या स्लाइडिंग कौन सा। हाँ बिल्कुल, स्लाइडिंग स्केल मेथड, यस बिल्कुल, ये देख लेना, ये पूछा जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपको बता दिया, डायबिटिक फुट आपको बता दिया, केयर ऑफ डायबिटिक फुट लिखी हुई है यहाँ पे, वो आपने कर लेनी है। और ये बात याद रखनी है, न्यूरोपैथी इसमें तीनों किस्म की होती है। सेंसरी न्यूरोपैथी तो याद होती है मोस्टली लोगों को, इसमें मोटर न्यूरोपैथी भी होती है, और जो तीसरी टाइप की नर्व्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स, वो भी डैमेज होती हैं। तो ऑटोनॉमिक जो सारे फिनोमिन है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या बेड साइड खोलोगे तो उसमें तीनों को चेक करने के तरीके बताए हुए हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को चेक करने के, पोस्टल हाइपोटेंशन हो जाती है, स्वेटिंग का लॉस हो जाता है, बॉल ब्लैडर कंट्रोल खराब हो जाता है, ये सारी ऑटोनॉमिक फंक्शन है, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक, ये भी आपने लाजमी करने हैं साथ। इनकी डिटेल में आपने नहीं जाना, ये जो टेबल्स है ना ये इनफ है आपके लिए, लेकिन एक आपको जनरल ओवरव्यू डिजीज का होना चाहिए, डायबिटीज का, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, तो इसको हम खुद एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो फिर साइकियाट्री, डर्मा और इन्फेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसको रीज्वाइन कर लो।